हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आप लोग पूछ रहे थे कि यूपी से डीएलएड कोर्स क्या अदर स्टेट्स के स्टूडेंट भी कर सकता है, जैसे बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तो यूपी से डीएलएड कोर्स कर सकता है 2024 में। तो फ्रेंड्स, 2024 से पहले क्या है, 2023 में 22 में केवल यूपी के ही जो स्थायी निवासी है, डोमिसाइल, वही कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स, 2024 से क्या है कि अदर स्टेट्स के स्टूडेंट को भी एलिजिबल कर दिया गया है, तो 2024 से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है। ओके, अब यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। इसमें फ्रेंड्स क्या है कि आपका 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन की जो आपकी परसेंटेज है, तीनों को प्लस करके आपका मेरिट बनता है। जैसे किसी का 230 बनता है, किसी का 235, तो 30-35 पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जनरल से हो तो। वहीं पर अगर आप फ्रेंड्स OBC से हो, EWS से, तो 225 पर मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप SC ST रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 215 पर भी मिल जाएगा गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है up.dlaed.govt.in, ये ऑफिशियल साइट है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप मांगते हो तो। बाकी फ्रेंड्स, आपका एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज जो है 35 साल है जनरल के लिए। बाकी SC ST OBC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, और एडमिशन के लिए आपके क्लास 12th में नंबर मैटर नहीं करता, 33% भी है तो भी हो जाएगा, लेकिन ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए। वहीं पर फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट जो रिजर्व कैटेगरी से है, जैसे SC ST OBC से, अगर आपके 45% भी है तो भी आप एडमिशन ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स,